दर्शाया कैसे जाता है उसके कड़ी में आप पाएंगे इसमें मेन चार प्रकार के परिवर्तन हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ दर्शाया गया। पहले हम सीखेंगे टेंस में परिवर्तन, उसके बाद फिर हम सीखेंगे नियरनेस को पारनेस में बदलना, और फिर हम पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन सीखेंगे, और उसके बाद फिर एक्सेप्शन इसमें भी कुछ है। एक्सेप्शन वह होता है जहाँ नियम नियमानुसार तो लगना चाहिए लेकिन नियम लगता नहीं। तो सबसे पहले हम टेंस परिवर्तन को देखते हैं। टेंस परिवर्तन की कड़ी में है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन होता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो इसमें पहला नियम जो आता है टेंस वाले में, पहला नियम ये आता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, देखते चलिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप पाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। केवल इसमें एक आध वाक्य बताया भी जा चुका है आपको, जैसे ही सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा ही इज ए गुड बॉय। इधर हम जितने भी वाक्य बताएंगे यहाँ आप थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन पाएंगे, क्योंकि अभी आपने उसमें देखा था तीसरे नंबर पर था कि प्रोनाउन में परिवर्तन, अगर यहाँ पर हम थर्ड पर्सन के अलावा और कोई दूसरा प्रोनाउन ले आते हैं तो वह आपको प्रभावित करेगा। इसलिए अभी आप जितने भी उदाहरण पाएंगे यहाँ थर्ड पर्सन का ही उदाहरण रहेगा, और जो वाक्य चल रहा है यह है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड ही वाक्य बता रहे हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आप जान जाएंगे तो आराम से परिवर्तन करते रहेंगे। He says to me, he is a good boy. तो आपने इसको चेंज किया, he tells me that लगाया, he is a good boy. पुलिस स्टाफ, जब भी आप नरेशन चेंज करेंगे वो चाहे असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, वाक्य ऐसे ही चलेगा और लास्ट में पुलिस स्टाफ ही आएगा। हाँ, रही बात यहाँ की, तो यहाँ वाक्य की प्रकृति के हिसाब से कनेक्टिव चेंज होते रहेंगे। सेज टू जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का मेन हिस्सा है, से टू है, तो ये सब प्रकृति के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस चल रहा है तो सेज टू चेंज हो गया इसमें टेल्स में, तो आपने देखा ही टेल्स मी दैट ही इज ए गुड बॉय। यह वाक्य जो है रिलेटेड है प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि इधर भी प्रेजेंट टेंस है तो उधर चाहे जो टेंस रहे टेंस में बदलाव नहीं होना है। फिर हम आपको एक उदाहरण दिखा दे रहे हैं फ्यूचर टेंस का, he will say कामा इनवर्टेड कामा में राम इज ए गुड बॉय या राम वाज ए जेंटलमैन लिख दे रहे हैं, जेंटलमैन। आप देख रहे हैं ही विल से फ्यूचर टेंस है तो आपका ही हो गया ही विल से मूल रूप में रहेगा। हाँ, जब तक से के बाद टू लग करके कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब तक इस रूप में नहीं जाएगा कि टेल टेल्स या टोल्ड, ऐसा नहीं जाएगा। अगर अकेला है तो ऐसे ही बना रहेगा ही विल से दैट, आगे मूल रूप में हम उतारते चलेंगे दैट राम वाज ए जेंटलमैन।
तो ये एक नियम आपका कंफर्म हो गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, तेजी से दोहराओ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यही और ये वाला हिस्सा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह मूल रूप में बना रहेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम ये बताता है अब बचता क्या है, पास्ट टेंस बचता है, और जितना भी परिवर्तन होगा सब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी परिवर्तन होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तब परिवर्तन नहीं होगा। तो मेन नियम यही से चलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को क्रम को पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में बदलते हैं, लेकिन क्रम का ध्यान रखते हैं, जिस सीक्वेंस, जिस क्रम में जो रहेगा उसी क्रम में हम उसको उतारेंगे। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का समांतर पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात अगर हम इसको इस तरह से कर लें तो आप सीधे पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीधे पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इसमें पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, कंटीन्यूअस। तो देखिए एक हल्का सा प्रयास हमने किया कि स्क्रीन पर आपको ये सब चीज़ें लिखित रूप में मिल जाएं, जिससे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना काम बढ़ा सकें, नहीं तो हम अपने लेक्चर से ही इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि हम आपके साथ नहीं हैं, इसलिए इस रूप में हम देखते हुए चल रहे हैं। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं, तो जितना भी प्रेजेंट टेंस है वह क्रमशः पास्ट टेंस में बदल जाएगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब इस पर आधारित एक एक उदाहरण देख लेते हैं, जब एक एक उदाहरण देख लेंगे तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, नहीं तो ले लीजिएगा। देखिए जैसे आपने वाक्य लिखा कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहले प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ही रीड्स ए
नॉवेल। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि ही रीड्स ए नॉवेल कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को सीधे डायरेक्ट आप ले चलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप वाक्य में पा रहे हैं रीड्स है, क्रिया से ही पहचान होगी। पास्ट इंडिफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, तो मोहन, हाँ एक चीज चिन्हित कर दे रहे हैं, सेट टू अगर आया तो वह चेंज होगा टोल्ड, तो मोहन टोल्ड मी दैट ही रीड ए नॉवेल। देखिए एक पंक्चुएशन का यह नियम है कि जब भी आप इनवर्टेड काम कोई चीज लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहता है, तो जब ऐसा मत करिएगा कि जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट के बाद इसको भी कैपिटल लेटर में लिखें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सीधा लिखा, सेट को चेंज हो गया टोल्ड में, दैट लगाया, कनेक्टिव दैट चल ही रहा है, ही रीड ए नॉवेल, ये चेंज हो गया पास में, समझ गए होंगे। आगे फिर लेते हैं दूसरा वाक्य, आई शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग ए नॉवेल, ही ले लीजिए उसी पर हम चला दे रहे हैं, ही इज रीडिंग ए नॉवेल, आपने आगे किया आई सेट। अब देखिए अकेला सेट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट ही रखिए, आई सेट दैट ही इज रीडिंग ए नॉवेल है, दैट लगाया, ही लिखा, इज को देखिए किस में बदल देंगे, वाज में, ही वाज रीडिंग ए नॉवेल। ने स्क्रीन छोड़ दिया एकदम, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आई सेड ही इज रीडिंग ए नॉवेल, उसके बाद दूसरा आई सेड दैट ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, देखिए रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चेंज हो गया किसमें पास्ट का। ठीक आगे बढ़ते हैं, राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य ले आते हैं, ही हैज डन हिज वर्क, वर्क सामने पुलिस स्टॉल और काम बंद हुआ, देखिए आप चेंज किया इसको, राम सेट टू चेंज हो गया टोल्ड में, टोल्ड में दैट लगा दिया, हैज चेंज हो जाएगा हैड में, डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, ये दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरह से हम एक वाक्य और आपको दिखा दे रहे हैं, तो राम शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल, ही हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग, स्पष्ट होगा मॉर्निंग लिखा है, हमने चेंज किया इसको, हो गया ये राम सेड दैट शी है चेंज हो जाएगा एड में, उसके बाद बीन रीडिंग है नॉवेल मूल रूप में लिख करके पुलिस स्टॉप कर देंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अभी हमने केवल एक टेंस कन्फर्म किया है, अगर रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके पहले आपने देख लिया। दूसरे नियम पर आए, अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आए हुए प्रेजेंट टेंस को क्रमशः पास्ट टेंस में बदल देते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में।
वाक्य स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आपके नोट्स बनाने में या इसको रिपीट करने में सुविधाजनक होगा। ठीक, अब देखिएगा अब आगे है कि क्या जरूरी है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में ही रहे, क्या फ्यूचर में नहीं आ सकता है? तो फ्यूचर टेंस में जो भी परिवर्तन है या उस तरह से सहायक क्रियाओं का परिवर्तन है तो उसको आप इस साड़ी से देख लेंगे तो टेंस का काम खत्म हो जाएगा। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है, जैसे सेट नजर आ गया या सेट टू, तो एक हिसाब से चल सकते हैं कि और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना हो तो सेट आप देख करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट में ये सब क्रियाएं आती हैं तो इनडायरेक्ट में उसको इस साड़ी से देख करके आप चेंज कर लेंगे। उदाहरण हम आगे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग और प्रेजेंट पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट वाले वाक्य में अगर कैन आया है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। सैल आया है तो वह किस में चेंज हो जाएगा, सुड में। सैल आया है तो सुड में चेंज हो जाएगा, कैन आया है तो कुड में, विल आया है तो उड में, मे आया है तो माइट में चेंज होगा, माइट में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, सैल सुड में, विल वुड में, मे माइट में। इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करता है नीड नॉट अगर आया है तो नीड नॉट ही रहेगा, नीड नॉट। और इसके अलावा बाय द वे कुड आ गया, सुड आ गया, उड आ गया, माइट आ गया, नीड नॉट आ गया, तो उल्टा आप मत करिएगा कि कुड आ गया तो कैन ना, ये अगर आए हैं ये तो मूल रूप में ही बने रहेंगे। तो कैन आया है तो कुड में, सैल है तो सुड में, विल है तो उड में है तो माइट में, नीड नॉट है तो नीड नॉट ही रहेगा, यूज टू है, इस तरह से तो जो भी पास्ट टेंस वाले हैं आएंगे तो ऐसे ही बने रहेंगे। आपको हम एक उदाहरण दिखा दे रहे हैं, इसकी प्रकृति के हिसाब से आगे आप खुद ही जान जाएंगे। जैसे देख लीजिए, he said comma noted comma I मत ले आइए, he can do this, he can do his work he can do his work, तो he said that लगाया, he कैन चेंज हो जाएगा भैया किस में, देख लीजिए साड़ी में कैन चेंज हो गया किस में, कुड में, कुड डू हिज वर्क, इतना आप देख लीजिए। तो ही सेड ही कैन डू हिज वर्क, तो ही सेड दैट ही कुड डू हिज वर्क, ये हो गया। और एक नियम इसमें और बचता है, उसके बाद हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप धैर्य बना के देखते रहिएगा, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, नहीं तो अगली कड़ी में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए जो जिससे रिलेटेड है एक ही पार्ट में हो जाए तो बेहतर है। जैसे देखिए दिया, अभी हमने प्रेजेंट टेंस कंफर्म कर लिया, और मान लीजिए फ्यूचर टेंस भी कन्फर्म हो गया, विल वुड में जाएगा, सेल शुड में जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, कौन पास्ट
इंडिफिनिट आ जाता है, तो पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखता है, दिख जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हमने सीधे लिख दिया नो चेंज। मतलब एक तरह से, इस तरह से कहें कि अगर आपको हेड दिख जाए, हेड या हेड बीम, तो ये समझ जाइए कि आप इस नियम से मुक्त हैं कि आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना। तो देखिए, हम पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस कौन चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य परिस्थिति में। या आपने चौथी हेडिंग देखा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को छोड़ के सामान्य परिस्थिति में इस ये जो मूल साड़ी आपको दिख रही, इसी तरह से परिवर्तन होगा, कुछ आपको सोचना नहीं। ठीक, आप इसको उतार सकते हैं। हाँ, अगर लगे हाथ एग्जाम्पल भी हो जाता है तो बेहतर होगा। जैसे एक बार दे रहे हैं, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही गोज, नहीं नहीं पास्ट का, ही वेंट टू स्कूल, स्कूल हो गया, आपने चेंज किया इसको डायरेक्ट में, ही सेड दैट, ही वेंट आपको दिखा, पास्ट इंडिफिनिट है, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। एक और हम आपको दिखा दें पास्ट कंटिन्यूअस का, बाकी हैड वाला आप खुद ही वाक्य समझ जाएंगे। ही शेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा राम वाज कॉलिंग हर, राम वाज कॉलिंग हर, तब का हो जाएगा ये ही सेड। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी पास्ट सेड है, यहाँ वाज आ गया, सेड दैट राम, वाज की जगह पर आपने सीधे लिख दिया हैड बी, कॉलिंग हर, राम हैड बी कॉलिंग हर। देखिए यह आपको बहुत ही पसंद आएगा, जैसे आप लेकिन धैर्य के साथ बहुत ही इत्मीनान से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चीज कन्फर्म है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बार बार सुनेंगे आपको पूरा नरेशन कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, इसके अलावा वाक्य तो दे देंगे, जैसे बाय द वे वाक्य आ गया, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा राम हैड बीन कॉलिंग हर, तो आपको दैट लगाना है, टेंस नहीं बदलना, राइट, टेंस नहीं बदलना, मतलब हैड और हैड बीन वाला वाक्य आ गया, टेंस नहीं बदलना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस परिवर्तन कैसे, टेंस परिवर्तन तक ही सीमित रखते हैं आज। फिर आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, तो जिससे यह काम आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा, आप अगर सब्सक्राइब किए, लाइक किए हैं या बेल आइकन दबाए हैं, तो आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा, तो जिससे ये कड़ी टूटेगी नहीं, आगे बनी रहेगी। थैंक यू।